क्या मामला है जो आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मामला ये है कि हमारा 1984 में जमीन LDA ने अधिग्रहण किया था, और हमारे बाबा हेमराज पुत्र निधान, जो कि उनका स्वर्गवास हो गया है, उन्होंने 2 बीघा 5 विसवे पे आपत्ति दर्ज कराई थी कि हमें 2 बीघा 5 विसवे ज़मीन का मुआवजा नहीं चाहिए। यहाँ पे मंदिर, स्कूल आदि खेती वाली सामग्री यहाँ पे हुआ करती थी, जो कि 7 तारीख को LDA प्रशासन की मदद से पूरा ध्वस्त कर दिया है, जबकि हमारा मुकदमा उच्च न्यायालय में पंजीकृत है, 15 फरवरी की तारीख भी लगी हुई है, और हमें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया है, ना ही हमारे घर के पिताजी या कोई सदस्य ने मुआवजा उठाया है। और 7 तारीख को जबरियन कब्जा कर लिया और किसी प्रकार की नोटिस नहीं दिया। घर की महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग अगर रोकने का प्रयास किया या कुछ चीज़ पूछना चाहा, तो किसी ने, प्रशासन ने उनकी बातें नहीं सुनी, और जबरियन उनको गाड़ियों में लाद कर मारते हुए थाने में बंद कर दिया, और हमारे बुजुर्ग माताओं को उठा कर बंद कर दिया, और मुचलके पे जमानत शाम को हुई। हम पुलिस प्रशासन बहुत प्रताड़ित किया, और LDA इतना भ्रष्ट हो गया है कि जबरियन किसानों के ज़मीन अधिग्रहित कर रहा है, और बिना बताए, बिना मुआवजा दिए हुए। हमारा मुकदमा हाईकोर्ट में भी चल रहा है, पेशी चल रही है, कोर्ट हमें मौका दिए है कि हम आपकी बात सुनेंगे। आज 1984 से आज 35 साल हो गया है, बराबर हमारा इस पे कब्जा है, हमारी खेती हो रही, इस खेती के यहाँ के बताया कि हमारा मुकदमा चल रहा है, किसी ने सबको हमने बताया कि कागज दिखाए, हमारे वकील साहब ने पूरी फाइल दिया, किसी की बात नहीं सुनी। कहीं ऐसा ही कानून हमारे यहाँ से होता है, आपका मुआवजा सरकारी डिपार्टमेंट में जमा है, वहाँ ले लीजिए जाके, जबकि हम लोग को कोई मुआवजा नहीं मिला है। 11 नवंबर 2014 को किसी तरह के मुआवजा सरकारी खजाने में उन्होंने जमा कर दिया, जो कि हम लोग को नहीं मिला है।